तो हाय गाइस, मेरा नाम मीर मुईकर। आप देख रहे हो स्पोर्ट्स का, तो स्पोर्ट एकेडमी में आपका स्वागत हो। भाई साहब आ चुका हूँ। सॉरी यार, मैं 2-3 दिन तक मैंने कुछ वीडियो अपलोड नहीं किया था चैनल पे, बिकॉज आपको ही पता है यार, सैटरडे संडे आ चुके हैं, तो इसीलिए मेरे मम्मी पापा घर पे रहते हैं सैटरडे संडे को, इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये वीडियो भी आप जिस दिन देख रहे हो, अभी मैं रात के 12 बजे शूट कर रहा हूँ। अब मंडे को, अब ये वीडियो मंडे को ही देखोगे, सुबह 8:30 बजे मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसी उसी समय आप वीडियो देख रहे होंगे। तो इसीलिए थोड़ा अभी मैं आपके लिए थोड़ा वक्त निकाल के इस टेस्ट मैच के बारे में बात करेंगे। हाँ, जो भी इंडिया वर्सेज अपने टाइटल और थंबनेल में आपको समझ में आ ही चुका होगा, हम बात करने वाले इंडिया वुमेन्स वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच है उसके बारे में। मैच तो हो चुका है ड्रॉ यार, पर अगर मैं टेस्ट मैच के लिए अगर मैं बात करूँ एक वर्ड में, तो 2 दिन ये टेस्ट मैच बोरिंग था और 2 दिन ये टेस्ट मैच बहुत इंटरेस्टिंग था। देखो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे आपने देखा होगा, जो मैंने फर्स्ट डे के ऊपर वीडियो क्रिएट की थी, सेकंड डे भी मैं क्रिएट करने वाला था, बट वो ही हुआ यार, सिर्फ आधे दिन का मतलब लंच तक का खेल हुआ, उसके बाद बारिश गिर गई, इसलिए मैंने सोचा जान दो यार, वीडियो बना के कुछ फायदा नहीं है, ज़्यादा ओवर हुए भी नहीं है, और जो खेल हुआ था वो भी पूरा बोरिंग हुआ था। मैं भी मतलब मैं टीवी ऑन करके रखा था, स्कोर देख रहा था, और बीच बीच में मैं कुछ आता बॉल देख रहा था, बिकॉज इतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। पर असली मज़ा तब आया यार, जो भाई साहब इंडिया के बॉलर्स जब आए, असली मज़ा तब आया, मतलब क्या ही बोलूँ, जो इंडिया के बॉलर्स ने बॉलिंग किया यार, इट जस्ट अमेजिंग। जैसे मैंने बोला था, पूजा वस्त्र को आपको क्यों खिलाना है, उसकी वजह आपको समझ में आई गई होगी। इवन राजश्री गायकवाड ने जो फर्स्ट इनिंग में अपना फर्स्ट स्पेल डाला था, वो मतलब अमेजिंग स्पेल था। अनफॉर्चुनेट थे उनको विकेट्स नहीं मिले। अगर मैं बात करूँ झूलन गोस्वामी, उनके बारे में क्या ही बात करूँ यार, वो आई थिंक से 40 की होंगी, 45 क्योंकि वो विकेट लेके ही रहेंगी। ही इज नंबर वन बॉलर इन इंडिया के लिए, वो नंबर वन होगी, कितने भी यंगस्टर आ जाए यार, ही इज अ लेजेंड। उसके बारे में क्या ही बात करूँ, जो उनकी बॉल स्विंग हो रही थी, अभी भी जो लाइन लाइन डालती है, इट जस्ट अमेजिंग यार। और सेम विद मेघना सिंह, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग डेली, बॉलर्स आर अमेजिंग, हमारे सारे बॉलर अच्छे रहे। दीप्ति शर्मा ने जितना मुझे याद आ रहा है, उन्होंने ज्यादा ओवर किए नहीं, बिकॉज जरूरत ही नहीं पड़ी यार इसीलिए। बट ओवरऑल मैं देखूँ तो यार, मुझे तो बहुत मतलब इंडिया की बॉलिंग देख के बहुत मजा आया। अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, एक जो चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है, जहाँ पे इंडिया अच्छी तो नहीं थी, बट मतलब क्या दोनों टीम खराब थी मैं कहूँगा, वो थी कैचिंग यार। अगर उन्होंने 10 कैच छोड़े, तो हम लोगों ने भी 6-7 कैच छोड़े होंगे, अगर आपने टेस्ट मैच देखा होगा तो। यही था यार, मतलब कैच तो दोनों टीम से छूटे यार। और अगर मैं बात करूँ ये मैच कहाँ से इंटरेस्टिंग हुआ, जैसे मैंने जब से ऑस्ट्रेलिया टीम बैटिंग कर रहे हैं, तो उसके एक दिक्कत ये भी थी, बिकॉज वो लाइट के अंदर तब हो रहा था, तब बॉल थोड़ा सा मूव हो रहा था, थोड़ी सी बॉल हलचल भी हो रही थी, प्लस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर भी था यार। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया के ऊपर ना प्रेशर था, अगर मैं बात करूँ, बिकॉज उनके कोई ऐसा मेन बॉलर नहीं था, सारे बॉलर यंगस्टर थे। और सेकेंडरी अगर मैं बात करूँ, और वो मतलब वो अंडर लाइट्स मैच नहीं हो रहा था, जब इंडिया बैट कर रही थी, तब थोड़ा दोनों बार जब इंडिया की बैटिंग आई, तब दोनों बार इंडिया दोपहर को बैट कर रही थी, तो इंडिया को वो थोड़ा एडवांटेज हुआ। अगर मैं आज के दिन की बात करूँ, तो आज आई थिंक आज भी ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बैट की थी यार। अगर तीसरे दिन की बात करूँ, तो आई थिंक 119 पे 4 थे वो, और मतलब आई थिंक, और जो चौथा दिन था, मतलब आपकी आपके हिसाब से कल था वो, बिकॉज मैं आज शूट कर रहा हूँ, तो वो फोर्थ डे की अगर बात करूँ, तो ऑफकोर्स यार लंच मतलब न्यू बॉल लेने तक आशले गार्डन और वो पैलेस पर ही बहुत अच्छे से खेल रहे थे। और उसके बाद ही जब न्यू बॉल लिया, तभी अपना मैंने टीवी सेट ऑन किया था, थोड़ा मैं वीडियो बना के चक्कर में सो रहा था यार, तो इसलिए तो वो मैंने देखा। उसके बाद जो विकेट गिरी है यार, क्या ही कहूँ, मेघना सिंह ने जो बॉलिंग की है, पूजा वस्त्रकर ने बॉलिंग की, पूजा वस्त्रकर मुझे एक विकेट आपको याद दिलाना है, जो मैग लानिंग का उन्होंने विकेट लिया था, आई थिंक सो जो फर्स्ट इनिंग में लिया था, जो आई थिंक सो फर्स्ट इनिंग में थर्ड डे में लिया था, व्हाट अ बॉल बाय बॉल बाय पूजा वस्त्रकर, वो मतलब मेरे ख्याल से बॉल ऑफ द मैच था मेरे लिए। और बस यार, यही था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यार, अब ये सीरीज हो चुके ड्रॉ, और ऑफकोर्स आपको स्मृति मंदाना का नाम लेना पड़ेगा, क्या सेंचुरी स्कोर किया उन्होंने, इट जस्ट अमेजिंग। शेफाली वर्मा ने भी 250 मारे, वो भी बहुत अच्छा उन्होंने खेला रहा है एज अ बैट्समैन। पूनम राउत ने जो स्पिरिट ऑफ द गेम दिखाया, वो भी बहुत अच्छा था इसमें। तो मैं अगर वो नहीं भी जाती तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, अगर गई वो बैट्समैन का पर्सनल कॉल होता है यार, इसके लिए मैं इस चक्कर में कुछ पढ़ना नहीं चाहता। अगर गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी जाती तो भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज अगर एम्पायर ने तो नॉट आउट ही दिया था, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो बस यार, यही था आज के मैच के बारे में। और देखो, इसमें एक और एक चीज़ है, ये कैसा होता है ना, ये देखो, एक तो आपकी ओडीआई सीरीज होती है, एक होती है टेस्ट सीरीज, होती है 20-20 सीरीज। अब इसमें कैसा है, इंडिया का एक ओवरऑल टूर है, अगर आपको टूर जीतना है ना, तो कैसा है, अगर इसमें कैसा है, एक ओडीआई को एक पॉइंट दिया गया है, मतलब हर एक, जैसे आप ओडीआई जीतोगे
तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। अगर आप टेस्ट मैच जीतोगे तो आपको 6 पॉइंट मिलने थे, पर अब टेस्ट मैच हो चुका है ड्रॉ, तो अभी जो टोटल स्कोर है, जैसे अभी जैसे मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया ने 2 ओडीआई जीते तो उनके उसके 2 पॉइंट उनको मिले, और अभी और उन्होंने एक मैच अभी इसका जीता, क्या कहते हैं अपना, और जो भी टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ उसको उनको 3 पॉइंट मिले। तो अभी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया आगे है 5-6-4 से आगे है, तो अभी जो T20s होंगे मेरे ख्याल से वो 2-2 पॉइंट के होंगे मेरे ख्याल से, तो वो देखने में मैं बहुत मज़ा आने वाला है यार। तो देखते हैं अभी क्या होता है यार, अगर इंडिया को जीतना है तो मेरे ख्याल से 2 मैच जीतने पड़ेंगे, तो शायद से हम जीत जाए मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं कैलकुलेट करूँ 4 नहीं 2 नहीं हमको 3 मैच जीतने पड़ेंगे, और अगर ऑस्ट्रेलिया को जीतना है, अगर ये पूरा टूर जीतना है तो उनको 2 मैच जीतने पड़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, या वीडियो 4 तारीख को देख रहे होंगे तो आपको 5-6 तारीख तो वीडियो देखने मिल जाएगी, बिकॉज ये जो दिन मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसी दिन मैं शायद वीडियो शूट करूँ जो 2020 वाला है, और मैं 5 तारीख को अपलोड कर दूँ। तो बस यार इतना ही रखता है आज के वीडियो के लिए, बिकॉज अभी देखो यार मेरे क्लासेस मिस हो रहे हैं 2-3 दिन से, तो अभी मुझे कुछ भी करके ज़्यादा एडिटेड वीडियो नहीं होगी, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा गाय गड़बड़ी में फिनिश कर रहा हूँ, बिकॉज अभी मुझे फटक से सोना है, बिकॉज कर मेरा क्लासेस है जैसे मैंने बोला, और मुझे कल बिल्कुल भी क्लासेस मिस नहीं करना है, बिकॉज अगर मैंने कल का क्लास मिस कर दिया तो खत्म हो जाऊंगा मैं। तो प्लीज़ यार बस यार इतना रहता है आज वीडियो के लिए, होप आप मुझे सपोर्ट करोगे, ज़्यादा एडिटेड वीडियो नहीं होगी, एक 1-on-1 टॉक किया मैंने, मुझे लगा कि थोड़ी बात कर लेते हैं तो इसलिए मैंने बात कर ली। तो बस यार इतना रहता है आज वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, तब तक के लिए पीस आउट।